हेलो फ्रेंड्स, लच्छ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा 12वां सेशन चल रहा है। अगर आपने इससे पहले के सेशंस या वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, पहले उन्हें देख ले और फिर आगे इन्हें सॉल्व करें। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज सो एज। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग किस में शो करते हैं? जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और अगर वो प्रीपेड हों तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे एसेट होते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चंस में देखने को मिलता है एग्ज़ाम में कि या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो या प्रीपेड इस तरह के जितने भी मिलेंगे आपको, ये सारे क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। हमारी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोलता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चेंज होता है? हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक, माइंडसेट ऑफ पीपल, नेशनल इनकम या ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करेंगे ना, ऑल ऑफ आर रॉन्ग यूज़ कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, माइंडसेट पीपल का चेंज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं, बट नेशनल इनकम के चेंज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पर क्या बोलता है? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़, ये हमारे कौन होते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। कंपनी पॉलिसीज़, ये भी कंपनी पॉलिसी भी हम इंटरनल यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट भी हम इंटरनल यूज़ करते हैं। बट डेमोग्राफी क्या होता है हमारा? किसी को हम कुछ डेमो देते हैं या फिर अपने हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये एक्सटर्नल होता है। हम अपने इम्प्लॉयज़ को कुछ सैंपल नहीं देते हैं, हम किनको देते हैं? कस्टमर्स को देते हैं। तो ये क्या होता है? डेमोग्राफी, जो कि एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जस्ट मैंने भी आपको ऊपर में समझाया था प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिस तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज, क्या पूछ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? सेम ऑप्शन इसमें भी होगा, ये क्या है? एसेट है। क्लियर है? इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एग्जीड, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई भी अपना जो कंप्लेन सबमिट करता है तो वो कितने तक का कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? ऑप्शंस है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख। हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 20 लाख। हम कितने तक क्लेम कर सकते हैं? 20 लाख रुपये तक हम कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन गाइडलाइन ऑफ S3, क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कौन सा आइटम आता है या कौन से रूल हैं? तो S3 में क्या आता है हमारा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं टोटल, ये हमारे 28 हैं जो इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप एक काम करें, इन 28 को एक बार देख ले, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसमें से उठा के मिल जाएंगे और कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करते हैं। तो आप 2-4 इस तरह से याद रखें, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आपके लिए इजी हो जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे अगर, तो सारा चीज़ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे निकालने के लिए बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। अगर आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा नेट सेल में से अगर हम जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको अगर माइनस कर ले तो क्या निकलेगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस दिया क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है? नेट ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान दीजिए, क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट में हम क्या ऐड कर दें? अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर लेस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी
द प्रिंसिपल फॉलोड, क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल चलता है? अगर आपको ध्यान हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसी सोसाइटी होती है जो सिर्फ अपने लिए यूज़ करती है, यानी कि उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो उनके लिए काम करती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें वन मैन वन वोट, ठीक है, ये कंपनी के रूल की तरह काम नहीं करती है कि जितना आपके पास शेयर है आप उतने वोट के अधिकारी हैं। इसमें क्या रूल कहता है कि आप जितने भी बंदे हैं सभी के पास एक ही राइट है और सभी को वोट देने का एक ही अधिकार है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बोलता है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन के लिए बैरियर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा बैरियर नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बैरियर है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी सही से काम ना करे तो हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बैरियर है ही। कल्चरल, जी हाँ, कल्चर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे लिए, हम अलग कल्चर से अलग तरीके से बात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। लैंग्विस्टिक, बिल्कुल लैंग्विस्टिक भी है, अगर हमें हिंदी आती है सामने वाले को इंग्लिश आती है, उर्दू आती है या फारसी आती है तो भी हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कलर, कलर डिस्क्रिमिनेशन, ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हमें कोई बैरियर नहीं है। अब सामने वाला गोरा हो या काला हो, बट उसका लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अगर सेम हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम नेक्स्ट सेट से स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इफ गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट, ध्यान दीजिएगा गुडविल अपेयर है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, इट शुड बी रिटेन ऑफ ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर, ध्यान दीजिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या मौजूद होता है, गुडविल मौजूद होता है, और उसे हमें क्या करना है, रिटेन ऑफ करना होता है। तो ये किस में करते हैं, हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, ठीक है। तो हमारे लास्ट ऑप्शन देखिए, हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, डेबिटेड बाई द ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर एक लाइन और भी हो सकता था, ऑल पार्टनर्स के साथ भी ऐड हो सकता था, मीन्स डेबिटेड बाई ऑल पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, तो वो भी हमारा राइट ऑप्शन होता। तो आपको 10, ये सारे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, आपको क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और 10 में से आपको कितने नंबर मिलते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह से अमेजिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।